किसान भाइयों नमस्कार। मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, धान रोपाई के कुछ दिन बाद से ही फसल में कई तरह के रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो आगे चलकर फसल को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इन बीमारियों का बेहतर इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए रोग का सही पहचान एवं उसके लिए सही दवा का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन रोगों की अनदेखी करने से कभी कभी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उपज शून्य हो जाती है। किसान भाइयों, आज हम धान के साथ ऐसे रोग के बारे में बात करने वाले हैं जो धान की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन सातों रोगों की पहचान एवं नियंत्रण कैसे करें, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए किसान भाइयों, क्रमवार सातों रोगों के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं धान के झुलसा रोग के बारे में। झुलसा रोग के लक्षण धान रोपाई के 15 दिन बाद से धान के पकते समय तक देखे जा सकते हैं। रोग की शुरुआती अवस्था में पौधे की निचली पत्तियों पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख के समान बीच में चौड़े व किनारों पर सकरे हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का भाग हल्के भूरे रंग का होता है। तने की गांठों पर भी इस रोग का प्रकोप होता है, जिससे वे काली हो जाती हैं तथा पौधे इन ग्रसित गांठों से टूट जाते हैं। रोग के अधिक प्रकोप होने पर धान की बाली की ग्रीवा पर सड़न पैदा होता है, जिससे बाली टूटकर गिर जाती है, जिससे उपज में काफ़ी कमी हो जाती है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी फफूदनाशक का 250 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। रोग की तीव्रता के अनुसार 12 दिन बाद टेबुकोनाजोल का छिड़काव दोबारा करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जीवाणुजनित झुलसा रोग के बारे में, जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। यह रोग धान रोपाई के 20 से 25 दिन बाद दिखाई देता है। सबसे पहले पत्ती का किनारे वाला ऊपरी भाग हल्का पनीला सा हो जाता है तथा फिर मटमैला हरापन लिए हुए पीला सा होने लगता है। कुछ दिन बाद पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की हो जाती है। रोगग्रसित पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें कल्ले कम निकलते हैं। रोगी पत्तियों को काटकर यदि पानी में रखा जाए तो रात भर में पानी दुधिया हो जाता है। ऐसा बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए पदार्थों से होता है। इस रोग का प्रकोप बहुत तेज़ी से पौधों में फैलता है, जिससे पत्तियां सूख कर मर जाती हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इस रोग की रोकथाम के लिए 6 ग्राम स्ट्रेप्टो प्लस 300 ग्राम कापर ऑक्सी क्लोराइड 50% WG फफूदनाशक का 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 10 दिन बाद लगे कि रोग की रोकथाम सही से नहीं हो पाई है तो इस दवा का उसी मात्रा में एक बार फिर इस्तेमाल करें। इन दोनों दवा के इस्तेमाल से जीवाणुजनित झुलसा रोग की रोकथाम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं धान का भूरी चित्ती रोग के बारे में, जिसे ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं। धान का यह रोग देश के लगभग सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह एक बीज जनित रोग है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे धब्बे बन जाते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के कारण पौधों की बढ़वार कम होती है, दाने भी प्रभावित होते हैं। चूँकि इस रोग में पत्तियों पर तिल के आकार के छोटे छोटे भूरे धब्बे बन जाते हैं, जो आगे चलकर ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और पत्तियों को सुखा देते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50% WP का 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। चौथे नंबर पर बात करते हैं धान के खैरा रोग के बारे में। खैरा रोग की पहचान करना आसान है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है, कल्लों का फुटाव कम होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण आता है। इस रोग की रोकथाम के लिए हम जिंक सल्फेट 33% 5 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर फसल को दे सकते हैं। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं धान के शीत ब्लाइट रोग के बारे में। शीत ब्लाइट एक फफूंद जनित रोग है। यह रोग धान की फसल में हवा पानी के अलावा पिछले वर्ष की प्रभावित मृदा से भी आ सकता है। इस बीमारी का सबसे पहले प्रकोप धान के पौधों के तने पर होता है। तने पर सांप के केचुली व सफ़ेद कपड़े पर दूध के धब्बे जैसे दाग पड़ जाते हैं, जो पौधे के एक एक पत्ते को सुखाकर बाली में दूध लेकर जाने वाली पाइप गांठों को गला देते हैं, जिससे पौधा सूखकर मरने लगता है।
इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोल 5% इसी का 250 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपीकोनाजोल 25% इसी का भी 200 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाओं के प्रयोग से शीत ब्लाइट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। 6वें नंबर पर बात करते हैं हरदी रोग के बारे में, जिसे कंडवा या फाल्स स्मट भी कहते हैं। धान में हरदी रोग लगने का मूल कारण मौसम में लगातार परिवर्तन होना है। धान की बाली में जब दाना भरने की स्थिति होती है तभी इसका प्रकोप होता है। दानों पर पीले रंग की मखमली पिंड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। धान की बाली हिलाने पर हरदी जैसा पाउडर उड़ने लगता है। दानों में काला राख जैसा पाउडर भर जाता है दानों के फटने पर, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर रोग है। फसल में प्रकोप होने पर इसका इलाज संभव नहीं है, इसलिए अगर महसूस हो कि हमारे खेत में हरदी रोग आ सकता है तो बाली निकलने से पहले कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से टीका के तौर पर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, और बाली निकलने के बाद प्रोपीकोनाजोल 25% इसी का 300 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस तरह दोनों दवाओं के इस्तेमाल से हरदी रोग की रोकथाम हो सकती है। 7वें नंबर पर बात करते हैं धान के नेक ब्लास्ट के बारे में, जिसे गर्दन तोड़ बीमारी भी कहते हैं। नेक ब्लास्ट भी एक फफूजनित रोग है। इस रोग का प्रकोप धान की फसल में बाली निकलने के बाद होता है। इस रोग में बाली के निचले हिस्से पर काले रंग का धब्बा बनता है, जिससे धान की बाली एक तरफ झुककर टूट जाती है। इस रोग के कारण बाली के दानों में दूध नहीं पहुंचता है, जिससे दाने खोखले रह जाते हैं, जिससे उपज में काफ़ी हानि हो जाती है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर उसकी रोकथाम के लिए ट्राईसाइक्लाजोल 75% WP फफूदनाशक का 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए ये सातों एक गंभीर रोग हैं। इनमें से किसी का भी यदि फसल में आगमन हो जाता है तो फसल जलकर बर्बाद होने लगती है, जिससे पैदावारी प्रभावित हो जाती है। इसलिए फसल की नियमित देखभाल करते रहें, और यदि फसल में किसी रोग का आरंभिक लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए तत्काल उपाय करें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।